मैं जबीन, वेलकम टू एक रेसिपी। आज जो चीज हम बनाने जा रहे हैं इस पे मुझे ही नहीं आपको भी बहुत प्यार आएगा, क्योंकि इसका नाम ही ऐसा है, ऐसे जैसे कि प्यार से बच्चों को कहते हैं ना चूची मूची मूची। इसका नाम है जनाब मंगूची। जी हाँ, मंगूची इतने प्यार का नाम है ना। तो ये डिजर्ट भी वैसे ही प्यारा सा, हल्का सा, माइल्ड सा, मासूम सा, बच्चे की तरह। तो चले बनाते हैं मासूम सा डिजर्ट मंगूची। तो जो मैंने मासूम सा मीठा कहा वो इसलिए कहा कि ये बहुत ही फ्यू इंग्रेडिएंट्स के साथ बनता है जो कि हर घर में मौजूद होते हैं और आसानी के साथ मिलते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे पास यहाँ पर मूंग की दाल है और माश की दाल है। मूंग की दाल जितनी भी हो उसका आधा हमने माश की दाल लेना है और फिर इसको ओवरनाइट सोक करना है। मेरे पास यहाँ पर क्वार्टर कप माश की दाल है और हाफ अ कप मूंग की दाल है, जिसे मैंने ओवरनाइट सोक कर दिया था। और अब इसका पानी निथार के हम इसको अलग अलग ब्लेंडर में ब्लेंड करेंगे। तो चलते हैं, ब्लेंड करते हैं। तो मैंने दोनों दालों मूंग की और माश की दाल को अलग अलग ब्लेंडर में डाल के उसको ब्लेंड किया अच्छे से कि वो बारीक हो जाए। और देखिए इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए कि बहुत पतली नहीं होनी चाहिए। तो पानी को जरा हाथ हल्का रख के ही पीसना है। तो अब क्या करना है, इनको सेपरेट थोड़ी सी देर और फेंटना है अलग अलग। और उसके लिए अगर हम ये हैंड ब्लेंडर यूज करें तो काम आसान हो जाता है, वरना हाथ से काफी देर भी लगती है और मेहनत भी होती है। तो हमारा मकसद क्या है कि हम एयर बनाना चाह रहे हैं इसमें, ताकि हमारी मंगूची फ्लफी हो। तो चले अपने ब्लेंडर भाई को यूज करते हैं, सॉरी या हैंड ब्लेंडर भाई, हाँ इनको यूज करते हैं और इनकी मदद लेते हैं अपने मंगूची को एयरी बनाने के लिए। तो मुझे 2 से 3 मिनट लगे हैं जो कंसिस्टेंसी मुझे चाहिए थी, जितना फ्लफी मुझे ये चाहिए। और मैं सारा वक्त एक डायरेक्शन में गई हूँ, मैंने दूसरी डायरेक्शन में नहीं गई हूँ। तो अब दोनों दालों को मिला रही हूँ। इनका हो रहा है संगम। और अब इस बैटर में मैं थोड़ी सी इलायची, 1/4 टीस्पून इलायची, जिस खुशबू का थोड़ा सामान करते हैं, और 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर। तो हमारी दोनों दालें मिक्स हो चुकी हैं, अच्छे से फिट चुकी हैं और अब इनको फ्राई करना है। तो चले चूल्हे की तरफ चलते हैं। और हाँ, आप मत भूलिएगा कि आपने इसको देखते रहना है, क्योंकि अभी कहानी बाकी है। और साथ ही मैंने यहाँ पे देगची चढ़ाई है जिसमें मैं सिरप बनाऊंगी। और ये सिरप बहुत लाइट होता है, हल्के मीठे का होता है। इसमें कोई हमें तार वगैरह की ज़रूरत नहीं है, बस एज सून एज हमारा जो है शुगर डिसॉल्व हो जाए तो हमारा सिरप तैयार हो जाता है। मैंने 3 कप वाटर डाला है यहाँ पर और इसमें डाल रही हूँ 1.5 कप शुगर। सही। और जैसे ही हमारी शुगर डिसॉल्व होगी हम इसको, इसका चूल्हा बंद कर देंगे, हमारी हमारा सिरप रेडी हो जाएगा। और हमारे सिरप में मैं थोड़े से स्ट्रैंड्स जो हैं वो सैफ्रन के डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो आप ज़रूर डालें, नहीं हो तो कोई बड़ी बात नहीं। तो ये देखें हमारे खूबसूरत से सैफ्रन के स्ट्रैंड जा रहे हैं इसके अंदर। जितनी देर में हमारा सिरप रेडी हो रहा है हम अपनी मंगूचियां फ्राई करते हैं। The way my mom used to do, my mom used to fry these kind of things, कि वो थोड़ा सा हाथ को पानी से गीला कर लिया करती थी ताकि उनके हाथ से बैटर जो है वो स्टिक ना हो जाए। तो दैट्स इट। और थोड़ा ऑफ कोर्स स्टिक होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि हर तरफ चला जाए। अब हमें मंगूचियाँ छोटी छोटी सी, नाम ही इतना क्यूट है ना, तो इस वजह से इसका जो मंगूचियों का साइज़ है ना वो भी छोटा होना चाहिए। और अगर आप कंफर्टेबल हैं तो अपने हाथ से डालें, क्योंकि इसकी जो टीयर शेप शक्ल है ना यही बेस्ट होती है। तो हमारी सारी मंगूचियाँ ऑयल में चली गई हैं और हमें इनको गोल्डन फ्राई करना है। और मेक श्योर करना है कि आँच बहुत ज़्यादा तेज नहीं हो, मेरी आँच जो है वो मीडियम और मीडियम लो के दरमियान में है। तो हमारी शुगर डिसॉल्व हो गई है और ये देखें बड़ा प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ गया है सैफ्रन के स्ट्रैंड्स की वजह से।
और बस 1 से 2 मिनट इसको थोड़ा सा पकाते हैं और फिर चूल्हा बंद कर देंगे। तो मंगूचियों का कलर गोल्डन ब्राउन हो गया है और अब हम इनको यहाँ से निकाल के डायरेक्ट सिरप में डालेंगे। सिरप बहुत ज्यादा हॉट नहीं होना चाहिए, बट इट शुड बी हॉट इनफ कि हमारी मंगूची जो है वो उसमें एब्जॉर्ब कर ले सिरप को। सिरप ठंडा होगा ना तो जरा मुश्किल होती है। तो बस अब इनको डुबकियां देना है थोड़ा सा सिरप में, ताकि जनाब ये अच्छे से सिरप में नहा लें थोड़ी सी देर के लिए, और फिर इसको अच्छे से ठंडा करना है फ्रिज में रखकर, और फिर ठंडी मंगूची का मजा ही और होता है। और थोड़ी सी खुशबू को और बढ़ाते हैं, यहाँ पे मेरे पास केवड़ा एसेंस है, थोड़ा सा 1 ड्रॉप केवड़ा एसेंस डाल दें। तो ये इतने कूल हो गए हैं रूम टेम्परेचर पे कि मैं आपके सामने ट्राई कर सकूं, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन है आपके लिए कि इसको ओवरनाइट रेफ्रिजरेट कीजिएगा और फिर मजे लेके खाइएगा। मेरी अम्मी को मुझे याद है ये चीज बहुत पसंद थी, और हमारे घर में मेरे हस्बैंड को और मुझे बहुत मजे के लगते हैं ये है इतने मजेदार लाइट से मासूम सा मंगूची। तो चलें ट्राई करते हैं और देखते हैं कि जनाब हमारी मंगूचियों की शक्ल तो बिल्कुल परफेक्ट है। दैट्स व्हाट इज सपोज्ड टू बी लाइक लिटिल टियर ड्रॉप। आहा, एक दो बातों का ख्याल रखना है कि इनको अच्छे से फेंटना है, अलग अलग फेंटना है, ओवरनाइट सोक करना है, और फिर सिरप जो है इसका बहुत गर्म सिरप में नहीं डालना है, क्योंकि फिर आउटसाइड कुक हो जाएगा बहुत क्विकली और अंदर से अभी गुठली रह जाएगी। तो इस चीज का ख्याल रखिएगा, सिरप वार्म होना चाहिए, हॉट नहीं होना चाहिए। तो जनाब अब हम इसको करते हैं ट्राई, और आप इसको अच्छे अच्छे ओकेजन पे बनाएं, ईद पे बनाएं, शादी में बनाएं, दावतों में बनाएं, मजे करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो इसका इनसाइड है वेरी स्मूथ एंड सोक विद सिरप। हमारा सिरप बहुत लाइट है इसलिए ओवरवेलमिंग फील नहीं हो रहा है, इसकी मिठास ओवरवेलमिंग नहीं है, और अंदर से सॉफ्ट और बाहर से हल्का मीठा, और जी सैफ्रन की और जी हमारे उसकी केवड़ा एसेंस की खुशबू बहुत मजे का मीठा है। जो लोग इसको खाते हैं, जो बनाते हैं, उन्हें पता है कि ये किस कदर डेलिकेट मीठा है, बट रियली वेरी इजी मीठा टू मेक। तो मंगूची की तारीफ में बहुत कुछ मैंने कह चुकी, तो मंगूची की तारीफ हो गई खत्म, और अब ये कहना बाकी रह गया है कि आपके खानों में मजा इंग्रेडिएंट से नहीं आता, प्यार और तवज्जो से आता है। सो ऑलवेज कुक विद योर हार्ट। ऐसी और बहुत सारी मजेदार और दिलचस्प रेसिपीज के लिए आइंदा भी मिलते रहेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाजत चाहती हूँ।